Hi guys, क्या हाल है? So today is Friday, 21st of May. Hope you had a nice week and are looking forward to the weekend. In this video, I would like to speak about IndusInd Bank, but उसके पहले couple of updates. Firstly, thank you to some of the new subscribers. So please do like the video, and if you have not yet subscribed, if you like the content, please do subscribe. So Nifty Bank आज almost 4% up, absolutely fantastic. यहाँ पर इफ यू कैन सी आई इन वन ऑफ माय प्रीवियस बैंकिंग वीडियोस आई वांटेड निफ्टी बैंक टू ब्रेक दिस 33,700. आज उसको बहुत अच्छी तरह ब्रेक किया है एंड नाउ फॉर मी ऑन द निफ्टी बैंक द नेक्स्ट टारगेट इज 35,900, ऑलमोस्ट 1300 पॉइंट्स, बट आई एम होपफुल दैट इट विल रीच देयर. एंड द रीजन आई एम होपफुल इज आज SBI के रिजल्ट्स थे. एंड ऑफ कोर्स एज जस्ट द हेडलाइन इज, ये मैं लिंक्स लगा दूंगा सब वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो इफ यू वॉन्ट यू कैन चेक देम आउट लेटर. ओवरऑल इट इज एक्सट्रीमली पॉजिटिव. सो आई एम अज्यूमिंग कि मंडे को जब मार्केट्स खुलेंगे एंड इफ देर इज नो मेजर चेंज इन द नेक्स्ट 2 days इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव न्यूज, मार्केट शुड ओपन पॉजिटिव, स्पेशली द बैंकिंग सेक्टर बींग लेड बाय SBI. SBI, फेडरल बैंक, HDFC, तीनों पे मैंने वीडियोस बनाए हैं, सो आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सो इफ यू वांट यू कैन चेक देम आउट. एंड तीनों के टारगेट्स मेरे एक एक करके हिट हो रहे हैं, SBI एंड फेडरल बैंक एंड HDFC बैंक. सो मूविंग ऑन टू इंडसइंड बैंक, इट इज अ प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया, मार्केट कैप ऑफ ऑलमोस्ट 80,000 करोर्स, सो इट्स अ लार्ज कैप कंपनी. सेक्टर PE, सो द सेक्टर मनी कंट्रोल ने डाला है प्राइवेट बैंक्स, सो द सेक्टर PE इज अबाउट 28 एंड द स्टॉक इंडसइंड का PE इज अबाउट 27, सो इट्स मार्जिनली द सेम और इट्स ऑलमोस्ट द सेम एज द सेक्टर. सो इन दिस सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, यू कैन सी विच आर द अदर कंपनीज और द कंपनीज इंडसइंड इज काइंड ऑफ कंपीटिंग विद, HDFC, ICICI, कोटेक, एक्सिस, दीज आर अबव देम. एंड इंडसइंड मार्केट कैप के हिसाब से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोजिशन पे है, ये चारों कंपनीज उससे बहुत बड़ी है. मतलब द फोर्थ लार्जेस्ट एक्सिस बैंक इज 230,000 करोर्स ऑलमोस्ट, एंड इंडसइंड इज मतलब 1/3 to 1/4, एंड बंधन बैंक ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडसइंड बैंक. तो मतलब इसका एक नीश पोजिशन है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप एट नंबर 5, इट्स द फिफ्थ लार्जेस्ट. NSE के वेबसाइट पे दिस इज द सेक्टर निफ्टी बैंक विद अ सेक्टर PE ऑफ 24 एंड द सिंबल PE इज 27, तो स्लाइटली यू कैन से ऑन द हायर साइड. इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, चार्ट देख लेते हैं. टुडे स्टॉक वॉज ऑलमोस्ट 4% अप. अगर आप पिछले 5 दिन देखोगे, आई वॉज वेटिंग टू मेक दिस वीडियो वंस द स्टॉक क्रॉसेस 1,000 एंड आई वॉन्टेड टू बाय ऑल्सो आफ्टर इट क्रॉसेस 1,000. तो ये मतलब 18 तारीख से लेके 21 तारीख तक, 20 मतलब कल तक उसी लेवल में झूम रहा था, 980 to 1,000. फाइनली टुडे ब्रेकआउट, आई बॉट अ लिटल मोर, आई एडेड अ लिटल मोर वंस इट क्रॉस 1,000, एंड देन आई वाज लाइक आई होप इट क्लोजेस अबव 1,000, एंड इट हैज क्लोज्ड वेल अबव 1,000. तो इसका चार्ट मेरे हिसाब से, अगर मेरे दो टारगेट्स होंगे, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है. सबसे पहला मेरा टारगेट होगा अबाउट 1,040 लेवल्स, यहाँ पर 1,040, दिस इज द फर्स्ट टारगेट विच इज अबाउट 3% अहेड. एंड माई नेक्स्ट टारगेट वुड बी अबाउट 1,100, इसका 52 वीक हाई इज 1,120, सो आई विल से 1,100. सो माई पर्सनल टू टारगेट्स आर 1,040 एंड 1,100 इन द नियर टर्म. नियर टर्म मतलब अब 1,040 अगर मार्केट मंडे को पॉजिटिव खुला तो शायद 1,030, 1,040 मंडे ट्यूजडे को ही आ जाए, एंड इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स और एटलीस्ट इन द नेक्स्ट मंथ आई होप टू टच, दिस विल टच 1,100. अब देख लेते हैं एनालिस्ट का क्या कहना है इस स्टॉक के बारे में. जियोजित 1072, ओके, सो ऑलमोस्ट 7% अप फ्रॉम टुडे. दिस इज अ वेरी नाइस लिंक. 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले इसके रिजल्ट्स आए थे, सो दिस इज जस्ट अ समरी ऑफ व्हाट डिफरेंट एनालिस्ट आर सेइंग अबाउट दिस स्टॉक. सो नमूरा इज 1130, जेफरीज 1300, वाओ, CLSA 1325, शेर खान 1340, प्रभुदास 1200, मोतीलाल ओसवाल 1200, LKP 1115, दौलत 1060, ICICI Direct 1100. सो इन दिस यू कैन सी द मेजोरिटी ऑफ देम आर गोइंग टुवर्ड्स द 1300 रेंज, 1250, 1300. ये काफी दूर है, बट इट्स गुड टू नो दैट
they have the analysts have such a high expectation from the stock. In usually in analyst का when they give this it is for 12 months. इन्होंने ये I think almost 3 हफ्ते May 3rd को दिया है. So their expectation is कि till May 3rd of next year it will touch these levels. Okay, good to know. Obviously we have to decide for ourselves अपना क्या target है. But analyst क्या कहते हैं पता होना चाहिए. Edelweiss का कहना है 1150. Okay. And this is a summary of 43 analysts, with the mean being outperform and the majority being buy. Okay, and the target price is 1115. So मतलब little almost जो 52 week high है और यहाँ से 10% ज्यादा, which I think is fair at this point. 1300 भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, but it's too far to assume that now, especially from a trading perspective. तो मेरा भी target इसी के आसपास होगा जो मैंने कहा था 1100. ऑप्शन चेन देख लेते हैं फ्रॉम अ बुलिश परस्पेक्टिव. आज है स्टॉक वन सेकंड कितने पे 1015. सो द नेक्स्ट टारगेट द बिगेस्ट ओपन इंटरेस्ट इज एट कहाँ गया. द बिगेस्ट ओपन इंटरेस्ट एग्जैक्टली नॉट सरप्राइजिंगली इज एट 1100. ओके एंड द सेकंड इज एट 1060. सो दैट्स इंटरेस्टिंग. तो मेरा जैसे एक्सपेक्टेशन था कि 1040 के आसपास होगा, नहीं, बट ऑप्शन चेन के अनुसार इज 1060. So according to option chain, if you have to do the targets, it would be 1060 and then 1100. Lastly, the reason I am discussing the stock is I am holding 34,000. आज मैंने 10 या 15 हजार का और खरीदा है, so almost 50,000 की मेरी होल्डिंग है. And I am also indirectly invested in the stock because I have units of Motilal Oswal Bank Nifty Index Fund. तो उसमें भी इंडसइंड बैंक इज अ पार्ट ऑफ इट. सो यस, सो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस स्टॉक. मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा था, ए आई एम ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इंडियन इकोनॉमी इन जनरल, इन द शॉर्ट टर्म हो या इन द लॉन्ग टर्म, पॉइंट वन. एंड पॉइंट टू, इफ इंडिया हैज टू डू वेल द बैंक्स विल डू वेल, बी इट प्राइवेट सेक्टर, स्पेशली द प्राइवेट सेक्टर एंड इन द पब्लिक सेक्टर. ऑफ कोर्स स्टेट बैंक एज द लीडर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स विल डेफिनेटली डू वेल. So hence, banking makes a big part of my entire portfolio, and it will remain that way. So that's it for now, guys. Please like the video if you like the content, and please do share your comments about this stock or any other stock. Let's try to make the channel a forum where we can just discuss these stocks. Perfect. Thank you for watching, and have a great evening and weekend. Bye bye.